हाय, दिस इज मनीषा सिंह। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक और नई जबरदस्त जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल करके आ रही है आईटीबीपी की तरफ से कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी होने वाली है। साथ ही साथ इस फॉर्म को नेपाल और भूटान के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ पोस्ट, डिपार्टमेंट, जॉब प्रोफाइल, इसके साथ आपको सैलरी, इम्पॉर्टेंट डेट, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सारे कुछ के ऊपर आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि वैकेंसी आ चुकी है आपको आईटीबीपी की तरफ से कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो चलिए अभी उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो रहने वाला है वो आपको 458 सीट्स पे ये वैकेंसी रहने वाला है। अब बता देती हूँ आपको कि कैटेगरी वाइज सीट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 195 सीट्स रहने वाला है, ओबीसी के लिए 110 रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 रहने वाला है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 74 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 37 टोटल सीट्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि आपका ओवरऑल 455 सीट्स रहने वाला है। फॉर्म की फ़ी की बात करें फ्रेंड्स, तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट से यहाँ पे 100 रुपीज़ लिया जाता है। वहीं आपको एससी एसटी और एक सर्विसमैन से यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते फॉर्म अप्लाई करने को। एज लिमिट आपका जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 21 ईयर्स रहने वाला है और मैक्सिमम 27 ईयर्स रहने वाला है। वहीं फ्रेंड्स, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए देखोगे तो मिनिमम 21 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम 30 ईयर्स रहने वाला है। एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 21 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स रहने वाला है। मतलब कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है आपको। ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स के लिए, एससी एसटी को 5 ईयर्स के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। सो अब हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपका 27 जून से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए आपका लास्ट डेट 26 जुलाई 2023 रहने वाला है। मीन्स कि जैसे ही ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो फ्रेंड्स, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो, क्योंकि बाद में अप्लाई करने से ना सर्वर इशू की वजह से फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जैसे ही 27 जून को ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लास्ट डेट के लिए रुकना मत, जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर देना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स इस फॉर्म के लिए, आपको 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ये आपका एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 मेजर जो होता है स्टेज, उस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। फर्स्ट फ्रेंड आपका फिजिकल होता है, यानी कि रनिंग होता है। सेकेंड आपका ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। थर्ड आपका ट्रेड टेस्ट होता है, मीन्स कि आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। फोर्थ आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो इन सारी चीज़ों में तो आप जो है वो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आप अपने ज्वाइनिंग लेटर को गेन कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपको जो फिजिकल होने वाला है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपका रनिंग होता है 1600 मीटर का 7:30 में। लॉन्ग जंप आपका 11 फीट, इसको आपको कंप्लीट करने के लिए 3 चांस दिया जाता है। मतलब कि 11 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना है, बट आपको 3 चांसेस मिलेंगे, उसमें ही आपको कंप्लीट कर लेना है। हाई जंप आपका 3.5 फीट का रहता है, इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाता है।
हाइट की बात करें फ्रेंड्स, जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे हाइट की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 170 सेंटीमीटर रहने वाला है। वही चेस्ट आपको फ्रेंड 80 टू 85 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए। आपको एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हाइट की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो है कि 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए। चेस्ट आपका 76 टू 81 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ये मैं बता रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों को स्पेशल छूट मिलता है जो कि असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, गोरखा, मराठा, सिख, इन सभी जगहों से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम 165 सेंटीमीटर होती है और उनके लिए चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका 78 टू 83 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको पीईटी एंड पीएसटी टेस्ट के बारे में बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि फाइनली आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, टोटल मार्क और कितने टाइम में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क का रहता है, मतलब कि पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है आपको और 2 आवर्स में एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराया जाता है। सब्जेक्ट वाइज बात करें फ्रेंड्स तो आपको जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क के रहते हैं, मैथमेटिक्स आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क का रहता है, हिंदी आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क का रहता है, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क का रहता है, देन आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस, थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क के। मतलब ट्रेड रिलेटेड से यहाँ मतलब हो जाएगा कि आपका यहाँ पे ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये ड्राइवर के लिए ये वैकेंसी आई है तो आपको ड्राइविंग से रिलेटेड ट्रेड के क्वेश्चन 60 देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क का और 2 आवर्स में आपकी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें फ्रेंड्स तो आपको एज पर लोकेटेड बाय द ITBP आपको ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में जहाँ पे ITBP का ऑफिस रहने वाला है वहाँ पे आपको सर्व करना होगा, जैसा कि आपको ITBP की तरफ से अलॉट किया जाता है। सो जॉब की प्रोफाइल भी अच्छी खासी है। जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं कि मुझे कांस्टेबल की तैयारी करनी है उनके लिए ड्राइवर का पोस्ट भी बहुत अच्छा पोस्ट रहने वाला है। सो आप लोग अच्छे से इस प्रिपरेशन को करते रहो ताकि एग्ज़ाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाओ। तो चलो आपको मैं बता देती हूँ कि इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लेवल 3 की सैलरी दी जाती है जिसमें आपका 21,700 टू 69,100 के बीच में आपका इनिशियल इन हैंड सैलरी रहने वाला है। सो ये सारी बेसिक डिटेल्स है आपको ITBP कॉन्स्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। आई होप कि मैंने जो भी डिटेल प्रोवाइड किए हो उसमें आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कोई सा भी डाउट या क्वेरीज आपका छूट गया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आप ITBP के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी आप चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन को थॉरो आउट पढ़ सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे थ्रू आपको जनरल नॉलेज के क्विज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाओ। सो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। सो, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।